बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्चुअल कोच हूँ। आज का टॉपिक आप लोगों के दिल के बहुत करीब है। बहुत लोग सवालात करते हैं कि हम अपने नफ्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो नफ्स के साइज के मुतल्लिक आपको आगाही देंगे, तो इंशा ताला आपकी जो सेक्सुअल जिंदगी है ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। ये जो नफ्स का जो साइज है, ये इंसान की एक अजीब लाशऊरी ख्वाहिश है। तो हर इंसान की एक अजीब ख्वाहिश है कि उसका नफ्स जो है वो लंबा हो, इनके ये एक हसरत नाकाम है जो दिल में पलती रहती है। इंसान इसी को पूरा करने के लिए कभी लंबे लंबे मीनार बनाता है, जैसे कुतुब मीनार बनाता है, या कभी आइफल टावर बनाता है, कभी बुर्ज खलीफा बनाता है, यानी कि ये सब उसी का मजर है। तो असल बात ये है कि नफ्स इंसान ये क्यों आखिरकार उसको लंबा चाहिए। उसका ये ख्याल होता है कि ये औरत को ज़्यादा इम्प्रेस करता है और दुनिया के ऊपर ये ज़्यादा दबदबा इससे क्रिएट होता है। हालांकि ऐसी बात है नहीं। हम देखते हैं कि नफ्स है ये, इसका एवरेज साइज क्या है। एवरेज साइज जो है ये 4 इंच से 6 इंच तक है। मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत लंबा है, कॉन्गो है इसका हाईएस्ट है, कोरिया का है स्मॉलेस्ट है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी जो खवातीन है उनकी वजाइना भी छोटी बनाई, और जबकि कॉन्गो और अफ्रीकन कंट्रीज की जो फीमेल हैं उनकी वजाइना भी बड़ी बनाई है, डीप बनाई है। सो अपनी अपनी वेट कैटेगरी में ही इंसान को रहना चाहिए, यानी कि वो काट से बाहर नहीं होना चाहिए। उसे एक कोरियन या चाइनीज को नहीं चाहिए कि उसे कॉन्गो या अफ्रीकन लड़की के पास जाए, अपनी वेट कैटेगरी में रहे, उसी में गोल्ड मेडल हासिल करे। तो इस तरह फिर आ जाती है थिकनेस, मोटापन। मोटेपन में भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो ऊपर हैं, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो नीचे हैं, पाकिस्तान इंडिया जो है ये मिडल में है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी 8-10 जो दर्जे है वो नीचे है। हमने ये देखना है कि ये नफ्स का साइज जो है ये मैटर करता क्या है। मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब ये मसला, नफ्स छोटा है। जब मैं उनको एक्चुअली मेजरमेंट्स का पूछता हूँ तो पता चलता है कि बिल्कुल एवरेज में है, यानी कि जो पाकिस्तानी एवरेज है वो 4.8 इंचज है, ठीक है। तो कोई 6 इंच वाले भी रो रहे होते हैं कि बहुत छोटा है डॉक्टर साहब, अगर ये लंबा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो मैंने जब ये देखा कि असल में वो लोग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार थे, यानी कि इनकी लो सेल्फ स्टीम थी, उन्हें अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं था। वो इनका ख्याल था कि जैसे वो बड़ा नफ्स होगा तो उनमें ज्यादा ताकत आ जाएगी, ज्यादा रोब हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं अच्छे कपड़े पहन लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि ज्यादा इमारत दिखाओ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि ये लो सेल्फ स्टीम की निशानियां होती हैं। जबकि जो हाई सेल्फ स्टीम का शख्स है उनको इसको छोटी मोटी चीजों की वो परवाह नहीं करता। तो अभी हमने ये मैंने बताना था कि इंसान को ये अपना जो नफ्स है ना ये हमेशा छोटा ही नजर आता है। एक इसकी वजूहात क्या है, एक वजह तो ये है कि वो जब उसको देखता है कि बड़ा है ये छोटा है, वो इस दौरान वो बैठ जाता है, छोटा नजर आएगा। फिर वो ऊपर से देखेगा उसको तो उसका पेट बीच में आ जाएगा, उसको अगला हिस्सा नजर आएगा, नतीजा क्या होगा, वो छोटा नजर आएगा। अगर वही शख्स उसको अपने मिरर में देखे, जो आदम साइज का पूरा मिरर होता है, तो उसमें उसको लगेगा कि ये किसी और का नफ्स है, यानी कि इतना बड़ा उसको नजर आएगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से इंसान उसको ज्यादा छोटा समझता है। और कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है कि जब उसका नफ्स फैटा हुआ है तो बहुत छोटा है। भाई छोटा है तो क्या हो गया, छोटा जो है वो बैठा हुआ है, जो लिम्प है, जो फ्लेसिड है, वो तो नफ्स है ही नहीं है, वो तो टूटी है, जिसने पेशाब को ब्लैडर से बाहर निकालना है, बस दैट्स ऑल। किसी ने आपका वो चेक नहीं करना, नफ्स तो नाम ही उसी का जो के खड़ा है,
जो शेरों की तरह तन तना के खड़ा है, उसी का नफ्स है, दूसरा तो टूटी है। सो टूटी की आप इतनी परवाह ना करें, इसका आपकी आम जिंदगी से कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है। और हमने अब ये देखना है कि लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद बड़ा नफ्स जो है ये ज्यादा कामयाब है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि एक तो आपकी हम कौम खतून है, इसके लिए आपका नफ्स नॉर्मल है, और औरत की जो अंदर वजाइना होती है ये भी असल में सिर्फ 2-2.5 इंच होती है जो कि सेंसिटिव होती है, उससे आगे वो सेंसिटिव नहीं होती। तो अगर उसका लंबा 6 इंच 7 इंच 8 इंच अंदर चला जाएगा तो उसके लिए कोई इतनी परवाह नहीं करती, क्योंकि उसको फील ही नहीं होता, टच ही नहीं होता। चाहे सर्विक्स पे जाके थोड़ा सा टच करे तो मे बी एक इनडायरेक्ट सी फीलिंग आए, वरना जो 90% फीलिंग्स हैं वो तो खैर इंसान औरत की जो है वो क्लिटोरस यानी कि जिसे छोला कहते हैं उर्दू में, उसे बजर कहते हैं, बजर लोग नहीं जानते लफ्ज़ को, तो उसमें होती है, बाकी की जो है वो पहले 2-2.5 इंचीज में होती हैं, तो आगे तो कुछ ना खास नहीं होता। सो इतना लंबा करने के क्या फायदा, बल्कि छोटे का एक फायदा भी है, वो ये फायदा है कि ये थोड़ी ताकत से खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम इसमें जाए तो ये स्टैंड हो जाता है, सो ये एक लंबी उम्र पाता है, जबकि जो बड़ा नफ्स है वो लंबी उम्र नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे बड़ा ब्लड चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए, और ये देखा गया है कि उन कंट्रीज में वो लोग जिनके बहुत बड़े साइज में हैं वो कुछ सेक्चुअली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है वो लोग। सो ये मैं बता रहा था कि इतनी यानी कि इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर उसका साइज छोटा है। असल में औरत मांगती क्या है, औरत को सख्त चाहिए और उसको मुनासिब टाइम चाहिए, 3 मिनट 3.5 4-5 मिनट, और उसे मोहब्बत चाहिए, फोर प्ले चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तजर्बा हुआ था कि उन्होंने बीवियों से पूछा कि तुम्हारे खामदों के साइज कैसे हैं, तो तकरीबन साहब ने कहा जी नॉर्मल है, ठीक है। और जब खामदों से पूछा कि तुम्हारे साइज कैसे हैं, 75% ने कहा छोटे हैं। यानी ये मर्द में एक अजीब ही कॉम्प्लेक्स जो है ना ये साथ साथ चलता रहता है। अब हम आते हैं कि क्या ये छोटा भी हो जाता है, जी उम्र के साथ ही छोटा भी हो सकता है, इससे आपने परहेज करना है। जैसे मोटापा है, चर्बी ऊपर आ जाएगी, ये छोटा हो जाएगा, स्मोकिंग करने से इसके अंदर श्रिंकेज आ जाती है, अगर इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए, इरेक्शन कम हो जाएगी, आपको छोटा नजर आएगा। सो ये चीजें हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम होता है तो उससे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें ये है कि जो अल्लाह ने साइज दिया है उससे तो आप मेंटेन करें ना, तो लंबा करना तो वो बात की बात है। लंबा करने के सिलसिले में आपको दुनिया में इश्तहारात की भरमार मिलती है, इंटरनेट जो है वो लगा पड़ा है कि ये गोली खा लो, ये ऑयल लगा लो, ये तिला लगा लो, ये कर लो, ये फलां कर लो, सब कुआ उठा के रद्दी में फेंक दो उसको। यानी कि ऑयल या जो सिर्फ वो यही है कि जो पिल्स हैं वो सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा थिक नजर आएगा, तो वो एक और डिफरेंट चीज है, लेकिन साइज में उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर सर्जरी है, सर्जरी जो है उससे लंबा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सर्जरी से नुकसान हो जाता है। नुकसान ये हो जाता है कि वो जो आपका समझे कि 3 इंच का ठीक काम कर भी रहा है ना, वो काम से भी जाता है। उसकी आपको बताता हूं, होता ये है कि जैसे एक खंभा है 20 फुट लंबा, उसको उन्होंने 5 फुट नीचे गहरा किया हुआ है, तो आप लंबा करना चाहें तो आप उसमें 2 फुट निकाल के ऊपर फिर दोबारा लगा दें, तो वो खंभा स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये है सर्जरी, तो बेहतर है लाखों रुपए खर्च करके चीज को जाया मत करें, यानी कि जो है ये भी हाथ से जाएगा, काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। सो सर्जरी की तरफ भी जाना जो है ना एक अहमकाना सी बात है। फिर जैकलिन मेनूवर है, थोड़ी सी एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त, कि उसमें नीचे से ऊपर मैस्टरबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बड़ा हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, लेकिन बंदा मसरूफ रहता है इसमें। तो फिर इसके बाद पंप हैं, पंप जो है एक खास किस्म के आम पंप, आपको पता है जो पीनस पंप होते हैं, खड़ा करने में काम करते हैं, इनसे फर्क कोई ऐसा खास नहीं पड़ता।
लेकिन एक अभी कुछ दिनों पहले किसी मेरे जाने वाले दोस्त हैं, मैक्सिकन डॉक्टर हैं, उन्होंने एक पंप डिजाइन किया जिसका नाम उसने वूपर पंप रखा। वो टेस्टिस को भी बीच में ले लेता है, वो अंदर लिगामेंट्स पे इफेक्ट करता है, जिससे उसका क्लेम है कि वो साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अभी तक जो कामयाब चीज सामने आई है वो एक्सटेंडर है, पिनाइल एक्सटेंडर। पिनाइल एक्सटेंडर जो है उसको आप इंटरनेट पे देखो, खांचा सा होता है, इसे खींच के रखता है। लेकिन पिनाइल एक्सटेंडर के मुतालिक है, मैंने बहुत यूज करवाया लोगों को, पौना इंच से 1 इंच तक लोगों में बेहतरी ला रहा है। यानी कि ये मैं अपने तजर्बे की बात करूं, वो तो बड़े बड़े क्लेम करते हैं कि 2 2 इंच 3 3 इंच बढ़ जाएगा, मैं नहीं ऐसी क्लेम को मानता। तो लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा उसका प्रोटोकॉल है, कब लगाना है कब नहीं लगाना, कब कब लगा के आपने सोना नहीं है, दौड़ना नहीं है, वर्जिश नहीं करनी, एक लंबा प्रोटोकॉल है कौन सी बीमारियों में लगाना है, इसके साथ फिर खुराक क्या खानी है, फिर उसके अलावा कुछ साथ मेडिसिन हैं जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ जो सर्कुलेशन इम्प्रूव करती हैं और जो इंजरी इम्प्रूव करती हैं, और फिर उसके अलावा कुछ होते हैं फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, वो हम देते हैं। तो यानी कि वो भी एक, यानी कि आप स्ट्रेट वे नेट से मंगवा सकते हैं घर में, लेकिन फिर इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। सो बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए जो इसका इस्तेमाल जानता है। तो उम्मीद है कि अब आपके जेहन की जो परेशानियां होंगी नफ्स की साइज के मुतालिक, वो कुछ हद तक कम हुई होंगी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस कम होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर बरकी को आप इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।